हाय प्रिंस, वेलकम टू आवर चैनल। तो थंबनेल देख के आप सब जान गए हैं कि आज का हॉल होने वाला है लहरिया बांधनी पैटर्न साड़ी हॉल। सारी ही साड़ियां मैंने मीशो से परचेज करी हैं। किस प्राइस रेंज में हमें कैसी मटेरियल क्वालिटी मिलने वाली है, सारी ही बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो ब्यूटीफुल सी साड़ी मैंने वियर कर रखी है, किस प्राइस रेंज में मुझे ये रिसीव हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग इसकी मटेरियल क्वालिटी मुझे कैसी लगी है, मैंने आप सबके साथ शेयर करा है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। और आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने ये वाली साड़ी परचेज करी है। बहुत ही प्यारी सी रेड कलर की साड़ी जो थी वो मैंने ऑर्डर करी थी। तो इन सब की अनबॉक्सिंग मैं आप सबके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं और अपना प्यार उसको भी दे सकते हैं। और मैं आप सबके साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रील्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है रेड कलर का और उस पर आपको मिल जाता है लेस का पैटर्न, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। लेस की फिनिशिंग आपको बढ़िया मिलती है, मतलब इतनी लेस है जो कि आपकी स्लीव पे लग सकती है या बैक पे लग सकती है। 0.8 मीटर का आपको प्लेन ब्लाउज पीस मिलता है जिसमें आपकी आराम से हाफ स्लीव्स बन जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा कपड़ा एड ऑन करके फुल स्लीव्स भी बनवा सकते हैं। अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो साड़ी जो है वो पूरी आपको लहरिया पैटर्न पे मिलने वाली है। साड़ी का जो फैब्रिक है वो आपको जॉर्जेट मिल जाता है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट आपको मिलता है। मतलब कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और थोड़ा सा ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस पीस को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साड़ी का जो पूरा ग्रेस है वो उसकी लेस की वजह से है। लेस की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि आपको बढ़िया मिल जाती है, कुछ भी काम आपको निकला हुआ नहीं मिलता है। ओवरऑल साड़ी का जो पैटर्न है वो आपको बहुत ही प्यारा सा मिल जाता है। साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपकी हाइट 5'6" है तब भी साड़ी आपको छोटी पड़ने वाली नहीं मिलती है। तो ये पूरा इसका आंचल वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको ऊपर और नीचे दोनों में लेस मिलती है। यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ लेस नहीं दे रखी है, पर नीचे आपको पूरी लेस मिल जाती है। साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है और काफ़ी लंबी चौड़ी सी साड़ी आपको मिल जाती है। पूरी साड़ी आपको एक जैसे प्रिंट पैटर्न के साथ मिलती है। साड़ी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और नीचे जो लेस है वो आपको पूरा एंड तक मिलती है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ से आप अंदर फोल्ड करते हैं बस इतना लगभग 0.8 मीटर का कपड़ा आपको अंदर फोल्ड करने वाला दे रखा है। लेस जो है वो आपको एंड तक मिल जाती है। तो पीछे से खाली रहने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है, पूरे भरे हुए लेस वर्क के साथ आपको एंड तक साड़ी मिल जाती है। अब मैं आपको उसको स्ट्राइक करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद साड़ी कैसी लग रही है। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने वाली साड़ी परचेज करी थी। ये साड़ी काफी ज्यादा मजबूती के साथ पैक होके मुझे मिली है, काफ़ी सारी टेपिंग कर रखी है साड़ी पे। साड़ी जो है वो आपको बहुत ही प्यारे से बांधनी पैटर्न के साथ मिल जाती है, बॉर्डर भी दे रखा है और साड़ी पूरी ओपन करके देखते हैं। तो आइए फिर इसका आंचल वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो ये इसका आंचल वाला पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं आंचल जो है वो पूरा आपको बांधनी बंदेज पैटर्न के साथ मिल जाता है। आप बॉर्डर की फिनिशिंग देख सकते हैं कि बॉर्डर की फिनिशिंग भी आपको बढ़िया मिलती है, मतलब पूरा भरा हुआ आंचल आपको मिल जाता है। तो साड़ी जो है वो आपको दो कलर में मिलती है, यानी कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू के कॉम्बिनेशन में साड़ी मिल जाती है। ये कलर कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, जब आप इसको पेयर करते हैं तो साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। काम वगैरह पूरी साड़ी पे आपको अच्छा दे रखा है। लेंथ साड़ी की बहुत अच्छी है, मतलब छोटी पड़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है। हाइट 5'6" है तब भी आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। बॉर्डर की फिनिशिंग, काम की फिनिशिंग पूरी साड़ी पे आपको बढ़िया दे रखी है। तो साड़ी का जो बॉर्डर है उसका काम मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पीछे से आपको इस तरह का काम मिलता है, मतलब थ्रेड जो है उसको निकलने की कोई टेंशन नहीं है। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको बढ़िया काम मिल जाता है। अब मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरह का ब्लाउज पीस दे रखा है, ब्लाउज पीस पे भी आपको बॉर्डर का पैटर्न दे रखा है जिसको आप अपनी स्लीव पे अटैच करवा सकते हैं। हाफ स्लीव आराम से बन जाएंगी। 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है।
साड़ी का फैब्रिक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, दिन भर पहनने के लिए कोई प्यारी सी साड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। अब मैं आपको उसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं साड़ी कैसी लगती है पहनने के बाद। तो आइए फिर नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। तो आप इस चीज में इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने अभी साड़ी परचेज करी है, बहुत प्यारी सी लग रही थी स्क्रीन पे। बाकी हम देखते हैं कि हमें क्या ही मिला है। तो साड़ी का फैब्रिक आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको उसका ब्लाउज पीस दिखाऊंगी, तो ये ब्लाउज पीस जो है वो आपको बहुत ज्यादा सुंदर मिलता है। ब्रॉकेट वाले फैब्रिक में आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है। ब्लाउज जो है वो आपको हाफ स्लीव आराम से बन जाएगा। 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस आपको दे रखा है और एल्बो लेंथ तक का भी बन सकता है, क्योंकि इस तरह का जो फैब्रिक होता है वो एल्बो लेंथ तक का बड़ा ही प्यारा लगता है। और आप अपनी स्लीव्स पे लेस भी लगा सकते हैं, लेस भी आपको दे रखी है जो कि आपकी स्लीव्स पे आराम से लग जाएगी, इतनी लेंथ की लेस मिल जाती है। अब मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल वाला पोर्शन दिखाती हूँ। आंचल वाले पोर्शन पे आपको वो कटआउट वाली जो लेस होती है उसकी डिटेलिंग मिल जाती है। टैसल वर्क्स भी दे रखे हैं, तो चार टैसल आपको मिल जाते हैं। टैसल देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी का टैसल दे रखा है, मतलब रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई पीस है। साड़ी पे जो काम किया गया है वो बहुत सुंदर है, मतलब जो जरी का काम शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ उस पे जब लाइट पड़ती है तो बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है साड़ी पे, आप देख पा रहे होंगे। ये इसका पूरा आंचल वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ लेस मिल जाती है। यहाँ से टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ लेस मिलती है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। लेस की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। साड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक में आपको मिलती है, मतलब चुभने वाला फैब्रिक आपको नहीं मिलता है। लेंथ वगैरह आपको साड़ी की बहुत अच्छी दे रखी है, लेंथ में कोई भी कमी नहीं है। हाइट अगर आपकी 5'6" है तब भी साड़ी आपको छोटी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इन सभी साड़ियों के एक्चुअल कलर आपको क्लियर हो जाएं, इसलिए सारी ही शूटिंग नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरे पीछे आ रही हो बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा। और इस साड़ी को मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद साड़ी कैसी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये वाला पीस आपको कैसा लगा है। आइए फिर नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने अभी साड़ी परचेज करी है। तो जो स्काई ब्लू और डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन की साड़ी दिखाई थी मैंने, उसी टाइप की वाली साड़ी है, बस इसका कलर डिफरेंट है। क्योंकि आप मुझसे कमेंट में बोलते रहते हैं कि मैं आप सबके साथ और कलर ऑप्शंस भी शेयर करूं, इसलिए ये दोनों ही कलर मैंने मंगवा लिए हैं और दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा प्यारे मिले हैं। अब मैं पूरी साड़ी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसका आँचल वाला पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ। आँचल वाला पोर्शन आपको पूरा ही बंदेज पैटर्न के साथ मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे होंगे। बॉर्डर की फिनिशिंग भी आपको बहुत अच्छी दे रखी है, मतलब मुझे इसका जो काम है वो बहुत प्यारा लगा है। बॉर्डर वाला काम जो है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, शायद मैं आपको पास से दिखा पा रही हूँ। काम की फिनिशिंग आपको औसम मिलती है। ये पूरा इसका आंचल वाला पोर्शन है। अब साड़ी जो है वो आपको दो कलर में मिलती है, दोनों ही कलर बहुत प्यारे हैं, मस्टर्ड येल्लो और वाइन कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जाती है साड़ी। लेंथ बहुत अच्छी दे रखी है आपको, मतलब छोटी पड़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, दिन भर पहनेंगे तब भी अनकंफर्टेबल रहने वाला फैब्रिक आपको नहीं मिलता है। अब मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ब्लाउज पीस जो है वो आपको इस तरह का मिल जाता है, यानी कि 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है। और स्लीव पे अटैच करवाने के लिए आपको बॉर्डर भी दे रखा है, तो ये वाला बॉर्डर बहुत प्यारा लगेगा जब आप अपनी स्लीव पे अटैच करवाएंगे। अब मैं एक बार मैं आपको बॉर्डर का काम पीछे से दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे से भी आपको बढ़िया काम दे रखा है, मतलब कोई भी थ्रेड वगैरह निकलने का कोई चांस नहीं है। और साड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में आपको मिल जाती है। काम फिनिशिंग फैब्रिक बहुत बढ़िया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ। तो आइए फिर मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा देती हूँ। तो आपको स्क्रीन पे इमेज भी दिखा रही हूँ जिसको देख के मैंने वाली साड़ी परचेज करी थी। मस्टर्ड येलो और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में आपको साड़ी मिल जाती है।
साड़ी जो है वो बहुत अच्छे फैब्रिक के साथ मिलती है, मतलब परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में मिल जाती है। तो साड़ी का आंचल आपको बहुत प्यारा मिलता है, लेस की फिनिशिंग भी दे रखी है, तो लेस की वजह से थोड़ा सा साड़ी का ग्रेस और मजबूती दोनों ही बढ़ जाती है। आंचल वाला पोर्शन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दे रखा है, कंफर्टेबल सा फैब्रिक है। दिन भर वियर करने के लिए भी, अपने वर्क प्लेस के लिए भी कोई साड़ी ढूंढ रहे हैं, बांधनी बंदेज पैटर्न में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। कलर बहुत प्यारा है ये, इसका पूरा आंचल वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ लेस मिल जाती है, यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, और आपको नीचे की तरफ जहाँ पे प्लेट्स बनती हैं वहाँ पे पूरे में आपको लेस मिल जाती है। पर्सनली फैब्रिक मुझे इस साड़ी का बहुत पसंद आया है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से फैब्रिक में आपको साड़ी मिल जाती है, परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में मिलती है। कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में आपको इसका ब्लाउज पीस मिल जाता है, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस दे रखा है, आराम से हाफ स्लीव्स बन जाएंगी, इतना फैब्रिक आपको मिल जाता है। और स्लीव्स पर अटैच करवाने के लिए भी आपको लेस दे रखी है, सेम साड़ी वाली लेस आपको मिल जाती है। तो कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में साड़ी जा रही है, साड़ी वैसे ही बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा पीस है, कंफर्टेबल सा पीस है, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट साड़ी है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इस साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, अपने मनपसंद का कलर भी ले सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो मल्टी कलर में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा कलरफुल पसंद है अगर आपकी, तो आपके लिए डेफिनेटली वाला पीस होने वाला है। तो साड़ी जो है वो पूरी आपको मल्टी कलर में मिलने वाली है, पूरी साड़ी ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो साड़ी का आंचल दिखा रही हूँ मैं आपको, आंचल पे आपको मिल जाती है बहुत ही प्यारी सी लेस, लेस की फिनिशिंग आप देख लो कितनी ज्यादा सुंदर सी लेस आपको दे रखी है, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, जॉर्जेट फैब्रिक में आपको साड़ी मिलने वाली है। तो इस तरह के फैब्रिक हम पहन सकते हैं, वार्डरोब में बंद होके रखने वाला फैब्रिक आपको नहीं मिलता है, दिन भर पहनने के लिए प्यारी सी मल्टी कलर की साड़ी ढूंढ रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ये पूरा इसका आंचल वाला पोर्शन है, तो आंचल वाले पोर्शन में यहाँ तक आपको पूरे में लेस मिल जाती है, यहाँ से टकिन वाला पोर्शन है जहाँ पे ऊपर की तरफ लेस नहीं दे रखी है। साड़ी काफी लंबी चौड़ी सी है, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, तो अलग अलग ब्लाउज के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं। साड़ी परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में मिलती है, लेकिन इसके साथ आपको मिल जाता है रेड कलर का ब्लाउज पीस, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस दे रखा है, इसमें आपको लेस भी दे रखी है जिसको आप अपनी स्लीव पे या बैक पर अटैच करवा सकते हैं। लेस काफी अच्छी है, मतलब आराम से आपकी स्लीव और बैक पर अटैच हो जाएगी, इतनी लेंथ की लेस आपको मिल जाती है। फैब्रिक कंफर्टेबल है ब्लाउज पीस का, आप उसको स्टिच करवा सकते हैं, चुभने वाला फैब्रिक आपको ब्लाउज पीस का नहीं मिलता है, आराम से आपकी हाफ स्लीव्स या एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स बन जाएंगी। अब मैं आपको साड़ी को स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद साड़ी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वाला पीस कैसा लगा है। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस दिखा देती हूँ, स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने वाला पीस परचेज किया था। कॉक जरी वर्क के साथ बांधनी पैटर्न की साड़ी आपको मिल जाती है, ये इसका आंचल वाला पोर्शन है, तो आप देख सकते हो आंचल वाले पोर्शन में पूरे में आपको पिकॉक वर्क जरी के साथ मिल जाता है, बहुत प्यारा सा काम दे रखा है, येलो कलर पे काम बहुत खिल के आ रहा है। तो अगर आपको भी मेरी तरह मस्टर्ड कलर, येलो कलर पसंद आता है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस साड़ी में, इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस के रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आपने ही कहा था कि मैं आप सबके साथ इसका मस्टर्ड कलर में रिव्यू शेयर करूँ, तो ये डेफिनेटली आपके लिए ही होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा इसका आंचल वाला पोर्शन है, यहाँ से टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, तो साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी आपको मिल जाती है, और नीचे की तरफ पूरी साड़ी में जहाँ पे आप प्लेट्स बनाते हैं वहाँ पे आपको पिकॉक जरी वर्क मिल जाता है। और साड़ी जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी से आपको मिलती है, मतलब छोटी पड़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है। कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है, और ब्लाउज पीस पे आपको मिलता है इस तरह का मोर का वर्क जिसको आप अपनी स्लीव्स पर अटैच करवा सकते हो, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस दे रखा है, और वर्क आपको दोनों तरफ मिल जाता है, और आपको ट्रायंगुलर गोटा पत्ती का लेस का काम भी मिलता है।
तो फैब्रिक अच्छा है ब्लाउज पीस का, जिसको आप स्टिच करवा सकते हो, ऐसा फैब्रिक आपको मिल जाता है, चुभने वाला फैब्रिक आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप कोई प्यारी सी बांधनी पैटर्न की साड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेंथ बहुत अच्छी है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। तो साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वाला पीस कैसा लगा है। तो ये थी वो कुछ अफोर्डेबल रेंज की बांधनी लहरिया पैटर्न साड़ी। अगर आपको इस तरह के और भी हॉल वीडियो देखने हैं, अंडर बजट हॉल वीडियो देखने हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, नहीं किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।